हेलो फूडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बना रहे हैं अंडा करी, एग करी, जो कि है बिहारी स्टाइल। तो चलिए बनाते हैं बिहारी स्टाइल एग करी, जिसमें हम यूज़ करेंगे मस्टर्ड ऑयल। तेल डालने के बाद जब तक ये गर्म होता है तब तक हम बॉयल एग्स को थोड़ा सा काट लेते हैं, जिससे फ्लेवर अंदर तक चला जाएगा। तेल गरम हो गया है तो अब हम इसमें एक एक करके बॉयल्ड एग्स डालते हैं और इनको मीडियम फ्लेम में भून लेंगे। इसको धीरे धीरे हम चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। इस स्टेज में आके हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं और थोड़ी सी रेड चिली। थोड़ी देर भुनने के बाद इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करते हैं, जिससे ये थोड़ा सा फ्लेवरफुल हो जाए। मसाले अच्छी तरीके से भुन गए हैं, थोड़ा एग ने भी इसको ले लिया है मसाले को। अब इस स्टेज में हम इसको निकाल देते हैं। अब इसी पैन में मस्टर्ड ऑयल डालते हैं। अब बारी आएगी खड़े मसालों की, जो कि है तेज़पत्ता, बाकी दालचीनी, थोड़ी सी लौंग, कुछ काली मिर्च, स्लिट करी हुई इलायची, थोड़ी सी रेड चिली और एक बड़ी इलायची। इनको हम थोड़ी देर भून लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे चॉप्ड करा हुआ अनियन। इस एग करी की एक स्पेशलिटी है कि इसमें कोई डेरी यूज़ नहीं होती, कोई दही यूज़ नहीं होता, ना कोई प्योरी यूज़ होती है। इसमें हमें जितनी भी चीज़ें डालनी हैं वो खड़ी डालनी है। ये जो डिश है ना, पूरी तरीके से देसी डिश है। इसमें कोई मिक्सी से पीसी हुई चीज़ नहीं डाली जाती, ना ही कोई ग्रेवी बढ़ाने के लिए कुछ करा जाता है। इसमें बस प्याज को ही आपको भूनना है और भूनते भूनते ही पकाना है। थोड़ी देर इसको चलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई अदरक और कुटा हुआ गार्लिक। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें कुछ चीज़ पीसनी नहीं है, सब कुछ कटा हुआ कूटा हुआ ही डलेगा। अब बारी आई कुछ लहसुन की कलियों की, ये भी छील के डाल दी गई हैं सीधे। और इसका जो मेन फ्लेवर आएगा वो आएगा इस लहसुन से। अब आप सोच रहे होंगे पूरा लहसुन ऐसे क्यों? जी हाँ, इसमें पूरा लहसुन यूज़ किया जाता है। इसको मीडियम फ्लेम पे आपको भूनना है और बचाते बचाते हुए भूनना है ताकि ये खुले ना। बस इसे भूनते रहिए और हल्का सा नमक ऐड करके इसको ढक दीजिए। ये मैंने ऐड कर दिया नमक और फ्लेम कर दी बिल्कुल लो और चलाया थोड़ी देर और इसको मैंने ढक दिया। अब इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं कि प्याज सॉफ्ट हुए कि नहीं। आ हा हा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। और ऐड करेंगे इसमें हम थोड़ा सा चिकन मसाला, इससे फ्लेवर और इन्हेंस हो जाएगा। मसाले को मिक्स करेंगे आराम आराम से ताकि ये नीचे ना लगे। प्याज को सॉफ्ट होने तक पकाना है। अब इस स्टेज में हम थोड़ा सा पानी मिला लेते हैं ताकि मसाले आराम से मिल जाएं और नीचे ना लगे इसमें ये बर्तन में। ग्रेवी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आपको कम ग्रेवी वाला चाहिए तो आप कम पानी यूज़ करिएगा। इस
प्याज को हमने अच्छी तरीके से मैश करना है ताकि ग्रेवी में थोड़ी सी थिकनेस आ जाए। आप इसको थोड़ी देर आराम से ढक के पकाइए। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं तो इस स्टेज में आके हम इनको थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करेंगे जिससे ये थोड़े और स्मूथ जल्दी हो जाएं। प्याज पूरी तरीके से पक गया है, अब हम इसमें बॉइल्ड एग्स डाल देंगे। हमें इस साबुत लहसुन को बचाते हुए चलाना है। थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे पानी। थोड़ा सा गरम मसाला, फिर हम इसको ढक के थोड़ी देर और पकाते हैं ताकि अंडों में फ्लेवर अच्छे से आ जाए। आइए इसे चेक कर लेते हैं, ये हो चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा सा नटमैग घिस के डालेंगे, इससे स्वाद और बढ़ जाता है। ये हो चुकी है रेडी और इसको गार्निश करेंगे हम अब धनिए से। आइए इसे सर्व कर लेते हैं। तो आज बन गई है हमारी एग करी, वो भी बिहारी स्टाइल में। तो चलिए खाते हैं। ये आ गया एग, ये आ गई करी। अब ये इस लहसुन की वजह से है ये बिहारी स्टाइल। ये ली हमने रोटी, अब इसको करते हैं हम टेस्ट। बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। ये जो लहसुन इसमें पूरा पकाया गया है, ये देखिए आप, ये मक्खन सा हो जाता है। ये इसमें से निकल रहा है। ये अलग ही स्वाद देता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए खुशबू जो है वो इसको भी आ गई है। ये भी देखना चाह रहा है कि मैं क्या खा रहा हूं। बहुत बढ़िया। तो इसको आप भी बनाइएगा और इंजॉय करिएगा। एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।